हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो जामिया हमदर्द के ऊपर मेरी चौथी से पांचवी वीडियो होने वाली है। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, इसमें मैंने हर एक कोर्स को कवर कर रखा है। हर एक कोर्स लाइक जितने यूजी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीपीटी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीफार्म हो गया, और भी अगर आप लोग कोई कोर्स चाहते हो कवर करूँ तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना। एक कोर्स के ऊपर दो तीन कमेंट आते हैं तो मैं उस कोर्स को प्रीफर करूंगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ईसीजी टेक्निक, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, बीएससी मेडिकल इमेजिन टेक्निक, बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, बीएससी इमरजेंसी केयर ट्रामा केयर मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी कार्डियोलॉजी, बीएससी डायलिसिस टेक्नीशियन एंड बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज। इन सभी कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मतलब आप लोग अगर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो इन सारे कोर्सेज में, तो इनका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ओके। साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, ओके। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिर कितना फीस आपको देना पड़ेगा ओवरऑल आपके एडमिशन ख़त्म होने तक, जब आपका कोर्स जो है समाप्त होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूज अपडेट आती है, कोई भी अपडेट आती है एडमिशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारी वेबसाइट है www.pharmaviewonline.com। यहाँ पर मैं हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो गया चाहे वो प्राइवेट हो गया, ठीक है, वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पर एडमिशन पा सकते हो, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। तो आप लोग वेबसाइट पर भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, अब बात ये आती है कि आखिर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जामिया हमदर्द के ऊपर ही मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिख रखा है, जैसे आप लोग जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, ओके, तो आप लोग देखिए जामिया हमदर्द एप्लीकेशन फॉर्म आउट 2024, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ओके। अब आप लोग नीचे जैसे ही बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा, किस चीज़ का, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा दोस्तों डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस का, ओके, इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। देखिए, अभी कुछ टाइम बाद वेबसाइट पर ये भी अपलोड हो जाएगा किस बेस पे आपको एडमिशन होने वाला है हर कोर्स में, जितने भी कोर्स हैं जामिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, चाहे वो MBA हो गया, MCA हो गया, BCA हो गया, हर एक कोर्स के बारे में अपडेट अभी आ जाएगा कुछ टाइम बाद शाम तक हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो प्रॉस्पेक्टस आपके सामने जो है ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रॉस्पेक्टस ओपन होके आ गया है, हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, ठीक है। तो जितने मैंने आपको कोर्स बताया उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैरामेडिकल कोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखो पैरामेडिकल को मैं सर्च कर लूँगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का एक ऑप्शन आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पर आपको पैरामेडिकल कोर्स में जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका एडमिशन प्रोसेस सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्निक की। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल कोर्स हैं, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स का मैं आपको जो है एक बार ड्यूरेशन बता दूंगा और साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि सीट कितने हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्निक, ये जो कोर्स है वो डिप्लोमा लेवल पर है, 2 ईयर का कोर्स है, यानी कि 4 सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर वाइज डिवाइड है ये। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th में आपके मिनिमम जो है 45% होने चाहिए। देखिए, 45% जो होता है ना वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ऐसा नहीं है कि 45% आपका है तो एडमिशन हो ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है फॉर्म फिल करने की, ठीक है। अब इसका कट ऑफ होकर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले आप लोग ये समझो कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 45% है, यानी कि 45%, और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकली फिट रहना पड़ेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडमिशन टू सेल डिप्लोमा कोर्स ऑन पैरामेडिकल साइंस शैल बी मेड थ्रू मेरिट ऑन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब देखो, यहाँ जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिखा हुआ है ना, इससे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्वेल्थ का आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या तो सीबीएसई बोर्ड हो, आपने जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया है ना, उसमें आपकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्या है कि क्वालिफाइंग जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके थ्रू आपका मेरिट बनेगा। सपोज दैट मान लीजिए मेरे ट्वेल्थ में जो बने थे वो 86% बने थे, कितने 86%। ओके, अब यहाँ से जो है ना मेरी जो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगी इसी के बेस पर होगी, जिस भी कोर्स में मैं लेना चाहता हूँ पहले सबसे पहले फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद से मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगी, उसके बाद से आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सरे टेक्नीशियन की, हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे हर एक कोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात आगे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक यानी कि DOTT के नाम से जानते हैं इसको हम। सीट की बात करें तो टोटल 15 सीट हैं, 2 ईयर का कोर्स है, एलिजिबिलिटी इसकी सेम रहने वाली है, आपके ट्वेल्थ जो है पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 45% मार्क्स से मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये, और साथ ही साथ कैंडिडेट को मेडिकली फिट रहना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर भी जो एडमिशन होता है ना ट्वेल्थ के बेसिस पर ही होता है, आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। देखो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपके एटलीस्ट 75% से ऊपर होने चाहिए पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए। आपको ऐसा लगता है पैरामेडिकल कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है बट इतने आपके नंबर नहीं आएंगे बोर्ड में, तो आप लोग मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको अल्टरनेट बता दूंगा, कोर्स वाइज कर लेना। ठीक है, जिस कोर्स में आप लोग चाहते हो बता देना आपको परसेंटेज कितने आ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ सीट की, टोटल 15 सीटें हैं और 2 ईयर का प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी सेम है, 45% मार्क्स आपके पूरे होने चाहिए। ओके, और बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर जो है आपकी जितने भी ट्वेल्थ में मार्क्स आ रहेंगे उसके बेस पर एडमिशन होने वाला है। अब बात आ गई बैचलर कोर्स की, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक, ये पैरामेडिकल फील्ड के अंदर में आता है। ठीक है, पैरामेडिकल फील्ड के अंदर में आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर सीट की बात करें, BSc MLT में 60 सीटें हैं, 4.5 साल का कोर्स है, सॉरी यहाँ पर देखो 4 ईयर का कोर्स है, इसमें जो है 1 ईयर इंटर्नशिप आपको जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपके जो है 1 ईयर जो इंटर्नशिप होंगे। ठीक है, इसी में इंक्लूड है 4 ईयर में ही। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हो। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है आपका वो होने वाला है टोटली जो है मेरिट बेस, यानी कि ट्वेल्थ के मेरिट के बेस के ऊपर। ठीक है, BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर भी सेम ही प्रोसीजर है, 40 सीट है, ड्यूरेशन 4 साल का है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ट्वेल्थ आपके पास आउट होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है ट्वेल्थ के बेसिस पे। बात करें अगर हम BSc एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक की, 35 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर, 4 ईयर का कोर्स है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आपके जो है ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए कितने नंबर से, 50% मार्क्स से। अगर आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो ना, यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आपने नोटिस किया है नहीं, तो आपके 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप लोग जो है अगर आप लोग बैचलर में एडमिशन ले रहे हो ना, तो 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पैरामेडिकल कोर्स का। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है अगर आपका 50% हो रहेगा तो एडमिशन हो ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ओके, बात करें हम BSc इमरजेंसी ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट की, यहाँ पर 25 सीट्स अवेलेबल हैं, ड्यूरेशन की बात करें यहाँ पर तो 4 ईयर है इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी कि 3 ईयर का कोर्स है एंड 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है। ओके, आप लोग कहोगे कि आपको कैसे पता है कि 4 ईयर अलग है और 1 ईयर अलग है, आप लोग को लग रहा होगा कि 5 साल का कोर्स है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है 4 ईयर 6 सेमेस्टर, यानी कि 4 ईयर अगर आप करते हो तो यहाँ पर 8 सेमेस्टर होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर क्या लिखा है 6 सेमेस्टर, यानी कि 3 ईयर का कोर्स है, इसमें 6 सेमेस्टर हो जाएंगे और 1 ईयर का इसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप है। ठीक है, बात करें इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सेम ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर ट्वेल्थ आपके पास आउट होने चाहिए विद 50% मार्क्स। ओके, एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके ट्वेल्थ जो है पास आउट होने चाहिए, वहाँ से उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की हम बात करें तो सेम ही प्रोसीजर है इसका भी। ओके, आप लोग यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर है, 35 सीट अवेलेबल हैं, किस चीज़ के लिए, NRI हो गया, इंडियन हो गया, सबके लिए मिला करके। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल यानी कि 4 ईयर का ड्यूरेशन है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन जो होने वाला है आपका वो होने वाला है ट्वेल्थ के मेरिट के बेस पे। ओके, बात करें अगर हम BSc कार्डियोलॉजी लेबोरेटरी टेक्निक की, तो 35 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर,
ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल का आपका एक कोर्स रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 50% आपके मार्क्स रहने चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये जितने मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जो है आपका 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है, 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। आर्ट वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगेन रिपीट, आर्ट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपके एग्जामिनेशन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम CBSE बोर्ड, ओके, यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ मेंशन है। अब बात करें डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो डायलिसिस टेक्नीशियन का भी सेम ही प्रोसीजर रहने वाला है, 12th के मेरिट के बेस पर आपका जो यहाँ पर एडमिशन होगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम प्रोसीजर है, 50% मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पर जो है BSc लास्ट जो है वो है BSc आर्डियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है, ये कोर्स है, यहाँ पर भी सेमी प्रोसीजर है, 4 साल का कोर्स है, ओके। और एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर हम, तो एलिजिबिलिटी जो है इसकी वो है कितनी, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो देखो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको, मैं जो है थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फ़ीस के बारे में, ठीक है, जिससे आपको कि एक आइडिया मिल जाए कि आखिर यहाँ पर फ़ीस कितना लगता है। क्योंकि देखो मेरा हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि जो भी इन्फॉर्मेशन दो आपको फुल इन्फॉर्मेशन दो, ओके। तो फीस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग स्किप करके देख लेना अगर आपके काम की वीडियो जो बीच में नहीं होगी तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है फीस कितना लगने वाला है आपका किस कोर्स में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ECG टेक्निक की फीस है फर्स्ट ईयर की वो है 45,000 एंड सेकेंड ईयर की बात करें तो वही है 45,000। इसके अलावा आपको जो है 18,000 रुपये, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना, 18,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं ड्यूरिंग द एडमिशन। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप लोग यहाँ पर एक्सरे ECG किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हो, देखो ये जो मैं फीस बताऊँगा उसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में 18,000 रुपये आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ लेना। आपको सोचो कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसका मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। जब आप लोग एडमिशन लोगे ना फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पर देखो इन्होंने साफ साफ ये चीज़ मेंशन कर रखा है कि आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। देखो फीस स्ट्रक्चर फॉर द इंडियन स्टूडेंट इन इंडियन रुपी, वन टाइम फीस चार्ज फर्स्ट ईयर ओनली, ये आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडमिशन फीस जो है 5,000 रुपये है, इनरोलमेंट फीस 5,000 रुपये है, एलुमिनाई फंड फीस 3,000 रुपये है, लाइब्रेरी डिपॉजिट फीस 5,000 रुपये है, टोटल मिला करके 18,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, इससे आप लोग बच नहीं पाओगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना, जो भी आप फीस बताऊँगा उसमें आप लोग 18,000 रुपये इंक्लूड कर लेना। बात करें डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक की, तो सेम ही फीस है, 45,000 रुपये पर ईयर लगेंगे यहाँ पर। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें तो 55,000 रुपये लगेंगे पर ईयर। BSc MLT यानी कि BMLT की बात करें तो 1,40,000 1,40,000 रुपये पर ईयर यहाँ पर फीस लगने वाले हैं, ठीक है, 1,40,000 फर्स्ट ईयर में, 1,40,000 लगेंगे सेकेंड ईयर में आपके लगेंगे, 1,40,000 थर्ड ईयर में, 1,40,000 और फोर्थ ईयर में 70,000 रुपये लगेंगे ओनली, ठीक है, 70,000 रुपये लगेंगे। ये चूँकि इस समय इंटर्नशिप चलेगा इसलिए इन्होंने फीस जो है वो कम कर रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे ना, देखो BSc MLT से लेकर के, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो BSc MLT से लेकर BSc कार्डियोलॉजी टेक्निक तक सेम ही फीस है, ओके। MLT इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड BSc कार्डियोलॉजी, इन सब की जो फीस है ना वो सेम ही है। देखो यहाँ पर 1,40,000 रुपये फर्स्ट ईयर में, 1,40,000 सेकेंड ईयर में, 1,40,000 थर्ड ईयर में एंड 70,000 जो है वो आपके लगने वाले हैं फोर्थ ईयर में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आई होप। BSc डायलिसिस टेक्निक की बात करें, यहाँ पर देखो BSc डायलिसिस टेक्निक की, तो 1,10,000 रुपये पर ईयर लगने वाले हैं और फोर्थ ईयर में यहाँ पर 55,000 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। BSc इमरजेंसी ट्रामा केयर की बात करें तो 1,25,000 रुपये लगेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1,25,000, थर्ड ईयर में 1,25,000 एंड लास्ट ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में 62,500 रुपये लगने वाले हैं। बात करें बैचलर इन आर्डियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की, तो यहाँ पर देखो 1,40,000 रुपये फर्स्ट ईयर की, 1,40,000 सेकेंड ईयर की एंड लास्ट ईयर की 70,000 रुपये लगने वाले हैं। फीस आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी यहाँ पर बहुत महंगी फीस है, तो आप लोग देख लेना इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आप लोग सूटेबल लगे जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो आप लोग देख सकते हो। बाकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग फीस के बारे में जानना चाहते हो तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आना, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल ओपन करना,
ठीक है। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिख जाएगा फीस के बारे में। देखो मैंने सब सारे कोर्स के बारे में लगा रखा है यहाँ पर, तो आप लोग वेबसाइट पर जो है मिल जाएगी। और लास्ट में वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो भी आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे ठीक है जो एडमिशन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इसको आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा, इसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले जो है इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पर मिल जाए, तो आप लोग जो है वीडियो को देख पाओ ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको लगता है ट्वेल्थ में आपके उतने परसेंटेज नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग जो है मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको अल्टरनेट मेथड बता दूंगा किसी भी कोर्स के लिए ठीक है। अब देखो जो कोर्सेज रह गए हैं मैं आपको बता दूँ कितने सारे कोर्सेज अभी रह गए हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज रह गए हैं वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि मान जाओ यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसको भी मैं कवर करने वाली हूँ नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में कि कैसे यहाँ पर एडमिशन होगा। नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में मैंने हर एक वीडियो कोर्स के बारे में वीडियो बना दी है। इसमें जो है DGNM का बच रहा है, उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा ठीक है DGNM के बारे में। और साथ ही साथ बात करें हम मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़ की, तो इसके बारे में वीडियो जो है अपकमिंग वीडियो आ जाएगी ओके। बात करें हम पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, तो D-Pharm B-Pharm के ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना नीचे और देख लेना। अभी लेटेस्ट जो भी वीडियो होगी ना सारे जामिया हमदर्द की है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लेना, वहाँ पर मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर देखो ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस के बारे में वीडियोज आने वाली है, थोड़ा वेट करना आप लोग वीडियो आ जाएगी। केमिकल एंड लाइफ साइंस के ऊपर अभी वीडियो आने वाली है ठीक है, बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।